に当たる。タッチします、浅い。ああ、ドピンだ。うん、で。सही है वाह खुशबू अच्छी है ने कार फ्रेशनर नहीं ढोकले लड़की हाँ अच्छा गीता बहुत प्यारी छोकरी है हमारी जोड़ी बनती तो कहलाती रब ने बना दी जोड़ी पर मेरे कजिन बंधु ने गीता के दिल के साथ अपने दिल का कनेक्शन कर लिया वो जितना ज्यादा घटिया है उससे कई ज्यादा हैंडसम है लोपिंदर मुझे लगता है मैं तेरी राम प्यारी में कुछ खास मकसद से बैठा हूँ हाँ सर क्योंकि आपको कहीं पर जाना है नहीं दुबले पतले दुबले प्यार एक खूबसूरत चीज है एक बार ये मिल जाए तो पूरी दुनिया कार फ्रेशनर जैसी महकने लगती है इसलिए प्यार को पकड़ के रखना चाहिए एकदम टाइट उसे जाने मत देना और वो मिस्टेक मत करना जो मैंने की है समझे हाँ वरना पूरी जिंदगी हाथ से काम चलाना पड़ेगा बिस्तर नसीब नहीं होगा सर वैसे हाथ में क्या प्रॉब्लम है हाथों का इस्तेमाल करते करते हाथों की लकीरें खींच जाए तुम ज्यादा टेंशन में मत जाओ इतना समझ लो ये सेंटा क्लॉज जैसा लाल सूट पहन के क्यों घूम रहे हो वो इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है दुबिंदर और सेंटा क्लॉज ने शैतान बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा है जिसके लिए मैंने इंतजार किया है पूरे एक साल तीन हफ्ते छह दिन और 14 मिनट ताकि उससे छोटा सा हिस्सा पूरा कर सकूं वैसे उसने आपके साथ क्या किया था मिस्टर किसी को मुंह उठाने लायक नहीं छोड़ा सारा माल क्या तुम्हें ही हजम करना है ऐसी गलती मत करना गलत या सही क्या होता है ये तुम मुझे मत सिखाओ सब्र का फल मीठा होता है ठीक है थोड़ा इंतजार और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे साथ बिजनेस का क्या अच्छा बता वापस तन मारो भाई नहीं टाइम नहीं है चल छोड़ मैं जुगाड़ करता हूँ 9, 10, 11, 12 गोलियां और खेल क्लास अबे क्लास दबा के फेंक क्या हुए 27, 50 नहीं नहीं काम के वक्त वॉलेट नहीं आता पिछवाने का शेप खराब हो जाता है ओहो फिर मैं तुझे ताली दे सकता कोई बात नहीं मैरी क्रिसमस क्रिसमस के चक्कर में मेरा अप्रैल फूल बना के जा रहे हो फूल हेलो हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं मुझे खुद के नाम की फिल्म बनानी है किसके जल में झांकने पड़े उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खा रहा है वुल्वरीन से एक और बात उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो बिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से खैर छोड़ मुझे कई काम करने हैं फेशियल कराना है और वो विलनों का भी एंड करना है सुपर हीरो वाली एंट्री Weather.
कसम सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। शहर के बाहर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर हुई है। ट्रैफिक की वजह से पुलिस हादसे की जगह पर नहीं पहुंच पा रही है। निवासियों से निवेदन है कि वो अपने घर पर ही रहें। एक खतरनाक हमलावर जो एक लाल सूट पहने हुए है हादसे की भगत सोने चलो हमें एक मिशन पर जाना है। रुक जा मैंने ड्रैगपुर को अपने साथ शामिल होने के कई मौके दिए पर नहीं उसमें तो बचपना भरा हुआ है हथियारों से लैस बच्चा। वो कब बड़ा होगा और कब समझेगा कि एक्समैन बनने के कितने फायदे हैं। कौन से फायदे अजीब कॉस्ट्यूम पहनना ऐसे घर में रहना जहां बार बार हमला होता है। समझा करो ऐसे हालात हमें मजबूत बनाते हैं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं। नाश्ता दिन की सबसे जरूरी खुराक होता है। लो प्रोटीन बार पद्धियों में जान बना लो क्योंकि डेट पूछा है तुम्हें तोड़ने वाला है। लाल सूट क्यों पहना है ताकि कोई मेरा बैठा खून ना देख सके। इस बंदे ने दिमाग चलाया है ब्राउन पैंट पहनी है लीकेज हुआ तो टेंशन नहीं। ओए मेरे पास सिर्फ 12 गोलियां हैं तुम्हें बिल बांट के खानी पड़ेंगी। काउंटडाउन शुरू है। सोच रही हैं मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ मैं सुपर हूँ मैं हीरो नहीं हूँ।
और देखा जाए तो ये एक मर्डर है, पर कुछ बेहतरीन प्रेम कहानियां मर्डर से शुरू होती है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक लव स्टोरी। और इसे बताने के लिए मुझे आपको उस फ्लैशबैक में ले जाना होगा जब मैंने अपने चिकने बम के लिए ये लाल सूट नहीं बनाया था। देखो आखिरी बार कहता हूँ, ये बात अपने भेजे में घुसा लो, ये पिज्जा मैंने नहीं मंगवाया है। क्या ये 7348 रेडलेज ड्राइव है? आप मिस्टर मर्चेंट हैं? हाँ यार, मैं ही मिस्टर मर्चेंट हूँ, लेकिन मैंने कोई पिज्जा वीजा नहीं मंगवाया। तो फिर कॉल किसने किया था? ये क्या मैंने किया था? पाइनएप्पल ऑलिव, मीठा और नमकीन। अबे झिंगुर तू कौन है और साले मेरे घर में कैसे घुस आया? एक्स्ट्रा चीज डाला है ना? पता नहीं, मैं तो सिर्फ डिलीवर करता हूँ। देखो इसे दूर रखो। अगर तुम हावी के जुए में हारे हुए पैसे वसूल करने आए हो तो मैंने उससे कहा था। अच्छा ठीक है, जाने दो, ये लो मेरा पर्स, रख लो। थैंक्स। सर आप अपना कार्यक्रम जारी रखो, अगर टिप मिल जाती तो मैं निकल लूँ। तुम्हारा नाम जर्मी है? मैं वेटबिल से। और जहां तक बात टिप की है तो मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ। मैं यहाँ झिंगूर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया। अच्छा तो कहीं पे निकाले और कहीं पे निकाल। तू अभी भी सेफ नहीं है। और ये जीन्स पर चमकी लगा कर तू क्या गड़बा खेले जा रहा है? ये जीन्स है, चनिया चोली नहीं। तेरा वॉलेट वापस नहीं मिलेगा। वैसे तू नहीं दिया मुझे। हाँ लेकिन मुझे मेरा कार्ड तो वापस दे दो। कुत्ते कुत्ते करके बूटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, कुत्ते बूटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान दे। अच्छा जर्मी, कौन सा मामला पिज्जा खिला के सेटल नहीं होता? क्या तू किसी मेगन और फ्लोस्की को जानता है? नाम ठीक से बोला मैंने, और फ्लोस्की और लोस्की? क्योंकि वो तुझे जानती है। मैं उन लौंडों में से हूँ जो पैसे लेकर अच्छा क्योंकि बैंड बाजा बारात करते हैं। पर मेगन ने मुझे पैसे नहीं दिए, बस तेरे बारे में बताया और मैं तेरी मुफ्त में बचाने आ गया। मैं तो बस एक वासु हूँ, उसे डराता हूँ, और मैं वो हूँ जो रामपुरी घुसा के रास्पेरी निकालता। तो चिकने सुधर जा, मेगन के ना आगे देखना ना पीछे। हाँ सर, सेटलमेंट हो गया क्या? रुको, सच में? हाँ टोटली। बाथरूम में भी जा तो मुझे सुसु करने लायक नहीं छोड़ूंगा, और यही मेरी टिप है। अपने पोपट को पिंजरे में ही रख, ठीक है? तुम्हारे जर्मी की डिलीवरी हो गई है, सिजेरियन करनी पड़ी। क्या बात कर रहे हैं? मैंने भी गली मोहल्ले में बहुत स्केटिंग की है। मैं डायलॉग तो बोलने दे, पर उसमें पैसे नहीं है इसीलिए छोड़ना पड़ा। मेरा सौतेला बाप बहुत उछल रहा है, उसका उछलना बंद कर सकते हैं? वो तुझे छेड़ता है क्या? जर्मी को मारा क्योंकि वो कमीना था। तू मेरा हीरो है। ना 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 बहना, गाली मत देना। हीरो? वो भी मैं? कभी नहीं। मैं बस एक खोटा सिक्का जिसे मुझसे डबल खोटे सिक्कों को बजाने के पैसे मिले। सिस्टर मार्गरेट्स में आपका स्वागत है। ये मुझ जैसे कमीनों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, जहाँ हमारा काम है लोगों की हड्डियाँ तोड़ना और उनकी अकल ठिकाने लाना, और बदले में तगड़ा माल कमाना। तो ध्यान रहे कहीं आपका नाम मेरी लिस्ट में ना आ जाए। वेट विल्सन, कमजोरों को बचाने वाला देवता, बता इस मुझे क्या पेगा? तो बहला के थोड़ी कहीं देने। काश तुझे देव बाजा ड्रिंक दे भूतनी के। ये देख, अच्छा सुन, मैं उस लड़की के मेहनत के पैसे नहीं लेने वाला। क्या नाम है उसका? ऑर्लोव्स्की। हाँ भाई पक्का ना? कहने को तो तू सुपारी लेता है लेकिन दिल का हीरो है। उस लौंडे को भी तूने छोड़ ही दिया होगा? वो कोई बुरा लौंडा नहीं था, बस जवानी का जोश चढ़ा था। उसकी उम्र में मैं तो और भी खिसका हुआ, अजीब अजीब जगहों पर जाता था, मोगादिशु, जैक्सन, नए और अनोखे लोगों से मिलता था और उन्हें टपकाता था। मैंने देखी है फेसबुक पे फोटो। अच्छा जैक्सन विल में स्पेशल फोर्सेस क्या कर रही थी? लेकिन बहुत यार खिचड़ी थी और मजेदार थी। तो यार कड़ुआ बेली और ऊपर से क्रीम, तैयार है तेरी क्रीम ड्रिंक बिना हिलाए। अजीब चीजें क्यों बनवा रहा है? कैली 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 कैली, इसे पक को देना, कहना बूथ में दिया और वो रात रंगीन के लिए पूछ रहा। वैसे एक बात बता, तुझे इस हरकत से क्या मिलेगा? मैं सब चिंगारी लगाता हूँ, आग तो अपने आप बढ़ती है। क्या चाहिए तुझे? इसके लिए मेरी लंबी उम्र के लिए। एक नया स्कूल है, जाओ मुझे जाने दो। तुम जाओ यहाँ से। नहीं
सर। बातें अभी चल रही हैं। आज किसी की दाल नहीं गली। अच्छी कोशिश थी वे ने। पंगा मैंने खड़ा किया। मैंने भूत को चुना डेडपूल में। तूने कैसे चुना? वो असल में पेट अभी नहीं। कहीं तूने मुझे मारने की सुपारी तो नहीं? वाह बेटा, तूने मेरे मरने पर पैसे लगाए। तू जैसा कभी ना दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। मरेगा तू, सारे तेरी उम्र मुझे लग जाएगी। मैं तो अय्याशी करूंगा, वो भी सालों तक। सॉरी यार, मैं बस वो पैसे जीतना चाहता था। मैं कभी कुछ जीता नहीं हूँ ना। झूठे अली बाबा 40 चोर, आज की ट्रीट मेरी। सिर्फ देसी इम्पोर्टेड कुछ नहीं। आय 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 बेबी, सारे पैसे यही उड़ाने दे रहा है क्या? धड़क हो वनेसा। वेट, तुम जैसी अच्छी जगह इस तरह की लड़की क्या कर रही है? क्या काम है? बक, माफी मांग वरना मैं तेरा माफी मांग वरना टेट बदबा दूँ। माफ कर देना। नाक से सांस लो। जब भी तुम देखते हो फूल का मन करता है। अरे अरे अरे, ये पके हुए हैं, हाथ में आ जाएंगे। जाओ भागो यहाँ से, उम्र से लंबी तो दाढ़ी हो गई है। ए, देखो हाथ मत लगा, कट जाएगा। ये को तो गिराएगा तो तुम सुख नहीं रहते। लगी कभी बचपन लोचे बनाना तुमसे कहीं ज्यादा। मेरे पैदा होने से पहले बाप कर लिया। मेरा बाप मेरी मां बनने से पहले कर लिया। क्या तुम्हें कभी किसी ने सिगरेट के दाम दिए? इतनी बात मुझे क्या सकती? मुझे हर जगह छुआ गया। मुझे भी चाचा, दो दो चाचा, एक के बाद एक। मैंने तो अभी बर्थडे पार्टी को अलमारी में बंद रहकर सेलिब्रेट होते देखा। वो अलमारी जो मेरा बेडरूम था ना, कि मैं तो वॉशिंग मशीन के बक्से में सो। तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन थी? मैं तो सो नहीं पाता था। मुझे 24 घंटे लकड़ी से मारते थे, इस्तेमाल करते थे और छूटा करते थे। काम करता है शायद आज। अच्छा वैसे कितनी मस्ती करने लगेगी? $275 और एक आइसक्रीम पार्लर की मेंबरशिप कार्ड पे। पूरा पौना घंटा जैसे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। आइसक्रीम मेरी तरफ से। मुंह में लेके चली गई, अब खाता नहीं आइसक्रीम। चलो अब छोटे से मैदान में गोल्फ खेलने का। तू भी कहा था मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो ये बात है जनाब, पहले गुटी चूसते हैं बाद में रस पीते हैं। अच्छी शौक है। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। मतलब ये रूप नहीं जिसमें तुम्हें आयतर सबको दिल बहलाने का काम करती है। बहुत बढ़िया, तो इसमें तो मैं एक्सपर्ट बचपन से यही तो करता रहा। देखते तुम्हें कितना बात है। लिमिटेड एडिशन गोल्ड रॉन, दुनिया की रक्षा करने वाली अंगूठी मुझे चाहिए। मेरी कब से नजर थी इस पर। और मुझे पैसे रबड़ देना। और ठीक है, तो आज से आप एरिस ग्रह के रक्षक हैं और आप पेंसिल से लिखा हुआ कुछ भी मिटा सकती है। मोहतरमा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, पौना घंटा पूरा हो चुका है। इससे कितना वक्त मिल सकता है मुझे? याद रखो, 5 छोटे लायन रोबोट्स मिलकर एक सुपर बॉट बना सकते हैं। तो 5 छोटे लायन रोबोट्स, 3 मिनट मंजूर है। तो बचे हुए 2 मिनट और 37 सेकंड में क्या करें? और दाया पैर वनडे है तो क्या मैं दोनों के बीच 20-20 खेल सकता हूँ? ओह, कितना वाहियात स्वेटर है।
पर तुम पे अच्छा लग रहा है। लाज तुम पर जचता है, अंदर क्या बाहर आ जाती है। तो मैं सोच रहा था कब से कि हमारी जोड़ी इतनी कमाल की है। बताओ तो। क्योंकि तुम्हारा और मेरा पागलपन टक्कर का है दोनों से मिले और हम एक बहन के दो टुकड़ों की तरह जिसमें तुम वो नरमासी है जो तुम्हारी वजह से जुड़ता है और बहन पूरी हो जाती है। वही मुझे कब से तुमसे कुछ पूछना है पर मुझे लगा था शायद तुम पहले पूछोगे। क्या तुम आज शॉप करोगे? क्या नहीं घर से कहा छुपा के रखा था पूरे एक महीने तक खा रही तो तुमने मुझे कब बोला आज ही अगर मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ू और ना छोड़ू तो मुझसे ऐसे ही चिपके रहो जैसे शहद पर मधुमक्खी। पुरानी यादें ताजा हो गई। मौका कहाँ मिलता है तुम तो बिल्कुल मेरे लिए बनी हो। सुसु ब्रेक तुम दवा खिलाओगी? बात ये अक्सर मेरे काले गम के बादल छाते हैं और चले जाते हैं और कभी कभी खुशी की धूप निकलती है। फिलहाल खुशी की धूप ऐसी चमकी कि सारा गम सूख गया जिसका मतलब है अब बहुत भयंकर तूफान की आने की संभावना है। स्टेज का कैंसर सुनते ही लोग अजीब तरह से पेश आते हैं और भी तरीके टेस्ट करने के। अब तो कई नई दवाइयां आ चुकी हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है सब कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही। मेरे चाचा आयरन को थायराइड कैंसर हुआ था और तभी जर्मनी से कैंसर की कुछ नई दवाइयां। वैसा अभी से प्लान ए बी मतलब सेट तक सारे प्लान सोच रही है और मैं उसके चेहरे की हर बारीकी गौर से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे पहली बार देखा। यह शर्म आ गई। मिस्टर विल्सन खुद को वक्त दीजिए और आराम से सोचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अगर मैं फ्रांसिस नाम का एक छुटंदर होता तो मैं कौन से दिल में छुपता? तूने जो गड़बड़ की उसे ठीक करने का वक्त आ गया। तुझे तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मेरी वजह से तू अमर जो हो गया दरअसल तुझसे चलती है मेरी। हाँ लेकिन अमर बन के मैंने क्या उपाय किया?
से भी और कुछ नहीं। वैम? नहीं नहीं नहीं, वैम शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब जोर का झटका जोर से लगता है। तो क्या मुझे तुम्हें मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हुए देखना होगा? सोचो कि मैं नया बनकर लौटूंगा, नया जन्म लेकर। काश टॉर्नेट पीटर्स को हर बार आंख मारने पर मुझे पैसे मिलते तो मैं अमीर हो जाता। तो तुम्हें कहे बर्नाडेट कहीं नहीं जा रही क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लुपियो सही कहा, कैंसर सिर्फ मेरे कलेजे फेफड़ों पैरों के बीच और दिमाग में है, इन चीजों के बिना मैं जी सकता। तुम सिर्फ घर पर ही रहोगे, अपनी जान बोल्ट्रोन बर्नाडेट और मुझसे घिरे हुए। सुनो, हम दोनों जानते हैं कि कैंसर बैंड बचा देता है। जैसे किसी बड़े से मेले में जब बच्चे आते हैं और वहाँ झूले ना हो तो उनके खून की बैंड बच जाती है, उस तरह से। और मैं नहीं चाहता ऐसे बिना झूलों के मेले में तुम मेरे साथ हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे याद रखो, न मेरी काली परछाई को। पर मैं हमें याद रखना चाहती हूँ। कसम से मैं अगले चरण में तुम्हें फिर से ढूंढूंगा, बताऊंगा और शाम से सुबह तक गाने बजाऊंगा। वही हमके जिनकी ज्यादा फिक्र मत करो, ओके? हम कल लड़ेंगे। और हाँ, मुझे अब जाके एहसास हुआ, तुम जीत गए। तुम्हारी जिंदगी की मेरी जिंदगी से ज्यादा बैंड बची हुई है। और नींद भगाने की जरूरत है, पानी मुंह पे मार ले दोनों काम हो जाएंगे। तो पानी छोड़ो पहले टकीला। ये थी बाबा जी की जड़ी बूटी है, इसे पीकर अच्छे अच्छे जाग उठते हैं। यार अब तू भी बना सच ऐसी बातें। ये देख, उसने क्लिनिक से ये सारे प्रोशेस मंगवा लिए हैं, रंग बिरंगी है। मुझे नहीं लगता एक भी छोड़ा होगा उसने। चेचनिया, ये वो जगह है जहाँ कैंसर चाहिए हो तो जाते हैं। चाइना, सेंट्रल मैक्सिको, तुम जानते हो स्पैनिश में कैंसर को क्या कहते हैं? एल कैंसर। ये शायद मुझे पता था। देख तो इसमें कितना कुछ लग रहा है, मैं इसे रख लूँ, इसे चिपका दूंगा ताकि याद रख सकूँ कि तेरे अच्छे दिन कैसे थे। कम से कम अब मैं डेड पूल जीत जाऊंगा, मतलब तू कैंसर से सर सर के मरने वाला है। समझ गया कुत्ते, शुक्रिया। और वो आदमी जो बैठा है तेरे बारे में पूछ रहा, मुझे तो पनौती टाइप का लगता है, पर हो सकता है तेरी सोई किस्मत बदल। मिस्टर विल्सन, तो किसे उठा रहा है? वैसे अब किसी को उठाने की ताकत नहीं है मुझमें। मुझे पता चला है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। गूगल पे आ गया क्या? यही मेरा काम है, सबके राज खोलना। माफ कीजिए, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन आप एक फाइटर हैं, स्पेशल फोर्सेस। 41 लोगों का खात्मा कर चुके हो। हर 7 हफ्ते में एक बार आता था, लोग बाल भी इतने वक्त में कर पाते हैं। आप में खुजली होती है तो मार देता हूँ, अब तो इतनों को मारा है कि मुझे गिनती तक याद नहीं है। और आजकल आप कमजोर लोगों की मदद करने में वक्त बिताते हैं। हाँ सर, पर गांधी यही सवाल है, मुद्दा क्या है? मैं एक ऐसी संस्था से हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। अगर हम आपका कैंसर ठीक कर सकते हैं तो, और उससे बाकी आपको ऐसी क्षतियाँ दें जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। लगता है किसी प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हो। एकदम बकवास है, मतलब थका हुआ सा, इसमें मसाला डाल दिया। दुनिया को अद्भुत सैनिकों की जरूरत है। हम आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको बनाएंगे बेहतर से बेहतरीन, एक सुपर हीरो। देखो मारे की सूट, मैंने हीरो बनने की कोशिश की, बहुत लग गई है, लेकिन अगर मैं बिहार मान लूँ तो गूगल तक मैं ढूंढ लूंगा। तो इस बार में अक्सर तुम जैसे जितने मुसीबत में पड़ते हैं तो जरा संभल के गलती मारना, उसका बिल वही भरेगा। क्या कहा उसने? सपना देगा किसी की बीवी को किडनैप किया और पैसे मांगे तो उसने कहा बीवी रख लो,
और उसकी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर शादी से पहले मिलते तो मुझे किडनैप भी नहीं करना पड़ता। कैंसर का सबसे बड़ा पंगा यह है कि आपको बेहाल कर देता है, लेकिन उससे भी बुरा आप इन्हें प्यार करते हैं, ये उन्हें बेहाल करता है। क्या पता ये बंदा मेरी जान बचा सके या नहीं, लेकिन मदरसा की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, ताकि सुपर हीरोज यही तो करते हैं। तो चलो सुपर हीरोज की खामियों और खूबियों की बात करते हैं। खूबियां, उनके डोले शोले राक्षिक होते हैं, लॉन्ड्री में डिस्काउंट मिलता है, बढ़िया फिल्म के ऑफर्स, बड़ा साइन अमाउंट और कुछ सालों में एकदम हिट। खामियां, उन्हें साल भर के साथ बढ़ती है। बस कर पब्लिक कितनी तारीफ करेगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं पब्लिक से बात कर रहा था। यहाँ से हिलन मत, तुम्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है डेडपूल, शक्तियों के ऐसी शर्मनाक नुमाइश अब बर्दाश्त के बाहर है, तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। देखो कोलोसस, मेरे पास हीरो बन के लोगों का भला करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और तुम्हारी तारीफ। मेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, मेगासोनिक टीनेज वाका वाका ए, ओ, तुम्हारा नाम है या कोई बुलेट ट्रेन? तो तुम क्या हो, मतलब इसकी चमची? नहीं, जिन। अब मैं समझा, एक्समैन तुम्हें पीछे छोड़ के क्यों चले गए झाड़ू पोछा लगाने। तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब मुझे तुम्हारे नाम से मेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, ये नाम मुझे देने ठकुरा है। यहाँ से चले। देखो मैं एक जवान लड़की हूँ, यहाँ रहने से अच्छा है किसी बढ़िया जगह में चली जाऊँ। मुझे बस पसंद है लंबी रूखी खामोशियाँ या फिर लोगों को गालियाँ देना और फिर उसके बाद खामोश हो जाना। अब तुम क्या चाहती हो, लंबी रूखी खामोशियाँ या फिर मुझे गाली देना, या तो कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। हम ये होने नहीं दे सकते, चुपचाप चलो हमारे साथ। सॉलिड टीम के डिब्बों से बने सांड ये गलत बात है, मेरी मेहनत का रोज पिघलाना चाहता है। भरोसा करो, उस साले को उसके किए की सजा दे रहा हूँ मैं, वो बहुत बुरा इंसान है। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ। वो आदमी मेरे यहाँ आने से पहले ऊपर चढ़ा हुआ था। ये भी खुफिया बंद कर दो, हमारे साथ चलो, अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करो, ताकि मैं एक सच्चे सुपर हीरो बनूं। एक पत्र है, जिस दिन मैं अपराध से लड़ने वाला एक छिछोरा बनने का फैसला करूंगा, जैसा तुम करते हो उस गंजे के घर में रहकर, जहाँ तुम एक साथ उठते बैठते और सब कुछ करते हो, जिससे मुझे तुम सब पर शक होता है, उस दिन मैं तुम्हें तुम जैसी ही चमकदार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। लेकिन अभी मैं वही करूंगा जो मैं करने आया हूँ, मुझे रोका तो मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। खामोश पड़ बोली, एक बड़ी भूल, तो तुम ये कान खोल के सुन ले। देखो भागने वाले को कौन रोक सकता है। अब चलो, तुमने बचपन में नहीं खेली है, तुम्हें बंद करने का कोई बटन है? बटन नहीं किया है, लेकिन शायद तुम्हें और बचाता हूँ। अब चलो चलकर प्रोफेसर से बात करते हैं। किससे, उस गंजे से या कम खोपड़ी से? मेरे उलझे हुए दिमाग को और मत उलझाओ, हार मानना अपना स्टाइल नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे वेद, हमेशा की तरह। जंगल और ठाकुर के पास जा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। अरे यार, ये उल्टी कर रहा था। इस शॉट में तो सीटियां बजेंगी बेबी, ये खून भरी मांग नहीं, खून भरा बाजू है। जब भी आपकी जिंदगी
खतरनाक डेड एंड पर पहुंच जाती है तो अक्सर इसकी जड़ होती है आपका लिया एक बड़ा गलत फैसला। वो फैसला तो अच्छे भले से सब कुछ पूरा भला कर दे और ये मेरा फैसला था। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना फैसला बदल लिया। आपको यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा। वादा करो कि तुम सब सही कर दोगे ताकि मैं किसी और के साथ सही कर सकूं। हाँ क्यों नहीं, और प्लीज मेरे सुपर सुहारा मत आना या फिर कार्टून जैसा। किस जन्म का बदला लेने हो दोस्तों? पिछले जन्म में तुम्हारा बटवा मारा था क्या? आराम से, ऊपर से औरत और अंदर से मर्द लग गया। फाइटर टाइप की हो। मैं माचिस की तीली क्यों रखी है? आग लगा दिया, अभी कहीं लगाने के लिए चढ़ाऊं? शांति चल, और भी मौके मिलेंगे। तो क्या मेरे खाने का ऑर्डर लेने के लिए तुम्हें भेजा है? एक और पड़ बुला गया। मैं बस सुपर हीरो कैंप के पहले दिन के लिए एक्साइटेड हूं। कचरा का शटर बंद कर। मैं सुविंसन, मेरा नाम एजैक्स है। ये जगह मैं चलाता हूँ। शुरू शुरू में पेशेंट से मैं बहुत नाम तोल के बोला करता था। हो सकता है आपको थोड़ा दर्द हो, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े, पर अब बात साफ साफ कर दूं, ये जगह सरकार के तहत काम नहीं करती है। ये एक निजी संस्था है। तुम जैसे बेकार प्रोजेक्ट्स को ऐसे आदमियों में तब्दील करती है जिसने हेल्थ अगेंस्ट काबिलियत हो। अगर तुम सोचते हो कि सुपर ह्यूमन शक्तियां बिना दर्द के हासिल की जा सकती है तो गलत है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा डाल रहा हूँ जो तुम्हारे डीएनए में मौजूद हर मुमकिन जीन्स को एक्टिवेट कर देगी। इस प्रयोग को कामयाब बनाने के लिए हम तुम्हें हद से ज्यादा तकलीफ देंगे। तुम्हें तो पता ही है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है बेट। मैं तुम्हें दर्द देने वाला हूँ। जानते, मैं खुद कभी इलाज हर किसी पे अलग अलग असर करता है, इसलिए इसमें हैरत अंगेज ताकत पड़ी। अपनी बात करूं तो मैं बहुत तेज हो गया, मेरी नसें फट गई थी, इसलिए अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता। दरअसल मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। सब्जी होगी, कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। तुमने चेक किया ना? एजैक्स तुम्हारा असली नाम है क्या? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नकली लगता है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? डेविन, ब्रूस, स्कॉट, मिच, रिक्स्टर, ससुरा चौधरी तो नहीं है ना? अच्छा मजाक करते हो, लेकिन अब तुम्हारी रिक्शा से ये मजाक शब्द कुछ ही बोलने में चलेगा। वो तो पक्की बताएगा। हाँ क्यों नहीं, अब ये तुम्हारा है। ये क्या, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे ठाकुरानी फूलन देवी के साथ? तो ये किस तरह से काम करेगा? तुम्हारा जोश इस दवा की कामयाबी का राज करेगा, इसलिए हमें तुम्हें तकलीफ देनी होगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, तुम्हें तो जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बेहतर तरीके से खुद को जाहिर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो हमें तुम्हें तकलीफ देती रहना होगा। अलग अलग नए नए तरीकों से, लेकिन हर एक तकलीफ पहले से ज्यादा दर्दनाक होगी। आखिरकार तुम म्यूटेंट बन जाओगे या मर जाओगे। वो एक नहीं कई सारे हैं। मुझे ओलंपिक की मशाल पर सिगरेट जलाना है, तो फिर मेरे मुंह की बात छेड़ी और उसके बाद किसी प्लेन से बिना कपड़ों के बस पैराशूट लेकर कूद जाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा ये बिना कपड़ों वाला आइडिया भी बहुत मजेदार है, और मैंने तो ये भी सोचा कि मैं जैक्स की बचा के करूँ। उल्टा तुम अपने सोचने में लगे हो और तुम्हारी बजाने में लगा है। आखिरी बार अपने हाथों से बनाई हुई आइसक्रीम अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ।
से मिलना चाहता। तुम्हारा जवाब नहीं, मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, पर मेरा दिल तो मजाक कर रहे। कोई बात नहीं, बीच बीच में मजाक अच्छा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा भरोसा हम पर से उठ जाए। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना कनिंघम, वैसे भी तुम्हारा कोई क्या उखाड़ सकता है जब उसका नाम हो फ्रांसिस। फ्रांसिस ये उसका असली नाम है, ये जैक्सन किसी साबुन का नाम है। FRANCI। मैंने तुम्हारे लाख कोर्स से ट्राई किया था चुरा लिया। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें लॉन्च में सुपर हीरो डिस्काउंट दिलवा सकता। जानते हो तुम हद से ज्यादा पकाओ। बस पकड़े अब प्लीज, हम पर एक एहसान करो और अपनी बकवास का पिटारा बंद करो, वरना इस पिटारे को दफनाना हमें अच्छी तरह यही जगह में होता तो ऐसा नहीं करता। देखो बार बार तकलीफ देने का यही पंगा होता है, किसी को इतना मन डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो तुम्हें ऐसा लगता है अगर इस मशीन ने तुम्हें म्यूटेंट नहीं बनाया तो तुम किस संक्रमण के लिए रहोगे? अब हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को इतनी कम करने वाले हैं कि कुछ ही वक्त में तुम्हें घुटन महसूस होगी। तुम्हारा दिमाग कमजोर होते ही तुम बेहोश होने लगोगे। तब हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे, इतना ही बढ़ाएंगे कि तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाए और तुम सांस ले पाओ, और फिर थोड़ी कम कर देंगे और उसी हालत में छोड़ देंगे तड़पने के लिए। मुझे तो लगता ना तुम लोग बस कह दिया। जानते हो मजेदार बात क्या है? अभी भी लगता है कि हम तुम्हें एक सुपर हीरो बना रहे हैं। तुम्हें मिलिट्री से बेइज्जत करके गाला गया था, अय्याशियों के बादशाह हो तुम, असल में कुछ नहीं हो तुम। एक राज बताऊं, ये फौज हम सुपर हीरो नहीं बनाती बल्कि हम सुपर गुलाम बनाते हैं। हम तुम्हारी गर्दन पर एक पट्टा लगाकर एक रईस जाते के हाथों जमीन में बेचेंगे। पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएगा, लोगों को डराना, फ्रीडम फाइटर्स को सिर के बल गिरे थे। आपके बाद तुम कभी घर के शब्द नहीं देख पाओगे। ये कोई पर्दों की बात मेरी बात सुनो, इस बार सचमुच तुम्हारे पास में कुछ फंसा हुआ है। चलते हुए तवे पर पानी छिड़क दिया। तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं ने इतनी तारीफ कर दी कि मैंने तेरे अंदर के तनाव को इतना बढ़ाया कि तू म्यूटेंट बन गया। मैंने तुझे ठीक कर दिया वेट, अब तेरी म्यूटेंट से हर बीमारी ठीक कर सकती है। जितनी तेजी से तेरा कैंसर बढ़ा था उतनी तेजी से ठीक हो रहा है। ऐसे साइड इफेक्ट्स मैंने पहले भी देखे और मैं उन्हें ठीक भी कर सकता हूं, पर उसने ऐसा कहा। अब मैं तुझे फिर से दर्द देने वाला हूं बेट, इसलिए नहीं कि इसकी जरूरत है।
है? मेरा नाम क्या है? चल छोड़। फिलहाल मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता फ्रांसिस। शरीर से कैंसर ही नहीं हुआ बल्कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मान्य रहती है।
क्या है, आखिर कितना बुरा हो सकता है? तुम समझ नहीं रहे, अंदर से बाहर तक मैं एक शैतान, अगर आईने में मुंह देख लो तो आईना फट जाए। यार वैनेसा तुम्हें चाहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। ओ, ये तुमरा देखने के बाद भी नहीं लगता है किसी करेले ने एक और सड़े हुए करेले के साथ रंगरलियां मनाई है। वो भी जबरदस्ती, मतलब बिना उसकी मर्जी है। उनके रिश्ते में कुछ तो लोचा था, और लोचा इतना बड़ा कि नमाज करते वक्त पूरा पोंछा ही फिर गया। और इस कंपनी को सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है, वो बॉर्डर ब्रिटिश कंपनी जो म्यूटेंट फैक्ट्री चलाता था, और वो हाँ, तुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने का तरीका ढूंढना होगा। तब तक एक ही काम कर सकता है तू, अब सिर्फ एक ही मकसद है, फ्रांसिस को ढूंढ। डरावनी फिल्म है क्या? अपनी खुद की हॉरर फिल्म बना। देख आजकल ऐसे ही चेहरे वाले लोग जो है हीरो बन जाते हैं, हो सकता है तू सुपर हीरो बन जाए। मैं कुछ ऐसा करने वाला, फ्रांसिस के हर मोहरे को पकड़ के उसके बारे में पूछूंगा, उसके मिलते ही उसे ठीक करने पर मजबूर करूंगा, फिर उसका भेजा बाहर निकालकर उस पर सुसू करूंगा। तुझे सुसू करते हुए देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर वो घटिया आदमी सोचता है कि तू मर गया है ना। हाँ अच्छी बात, तुझे उसे ऐसे ही सोचने देना है। मतलब मैं मास्क पहन, हाँ एक बहुत ही मोटा मास्क हमेशा के लिए। माफ करना दोस्त, पर तू बहुत डरावना है, तेरा चेहरा देखकर भयानक सपने भी डरते हैं, जैसे पिछवाड़े दांत निकल रहा। तू तो अकेले ही मरेगा, मतलब अगर तू मर सका तो इस दूसरे बच्चे ने। समझ गया, तुझे अब चाहिए एक सूट और एक नया नाम, जैसे वेड सबकी बजाने वाला, वेड कभी ना मरने वाला, या फिर खतरनाक वेड। क्या मैंने सारे पैसे तुम पर लगाए थे, और मैं तो अब कभी जीतूंगा ही नहीं। डेडपूल कैप्टन डेडपूल ने ज्यादा हो गया। आपके नाम मिस्टर पूल, डेडपूल ये नाम मेरी सारी ईएमआई भर देगा। मोस्ट वांटेड लोगों की टीम जिन्हें मुझे मार रहा है। जी चला देगा ना, जिंदा हो। हाँ
लेकिन सिर्फ बाहर से ही। आज मेरे पास मरने का बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा, तो बता तेरा बॉस कहाँ है? सब कुछ बताता हूँ मेरे बाप। बताएगा तो तेरा बाप भी, पर पहले बच्चों जरा आंखें उधर कर लो। मैं नहीं चाहता ये सीन सेंसर करके। शुक्रिया बाड़ी के सूट। टैक्सी आओ बापू, बंदा किस्मत में आज ही रहता। तो अब तक आपने ये देखा? अरे यार, कहाँ था ये एडिट करने को? अब आगे बढ़े। सॉरी, मेरे खून से आपका कचरा गंदा हो गया। वैसे थोड़ा नींबू से खून के दाग मिट जाएंगे। समझ में नहीं आती, जैसे आप किसी का गला काटने जाते हैं और फिर आप ही का हाथ काट कर चले आते हैं। लेकिन यार, रिलैक्स करना है तो घर से बढ़िया कोई जगह नहीं। और मेरे साथ कोई ऐसा रहता जिससे आप मिल चुके हैं, वो अंधी औरत जो लॉन्ड्री में थी। यार कोई नशा कर रहा तो यार, फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक हो गया। मतलब एक टिकट में डबल मजा। अगर मैं बैटमैन हूं तो वो मेरी प्रॉफिट जैसी है, बस वो पूरी है और अंधी है। और मुझे लगता है वो मेरे साथ चक्कर चलाना चाहती है। वैसे मुझे लगता है रॉबिन का भी बैटमैन के साथ कोई चक्कर है। मुझे तोहफा कबूल नहीं है। वैसे बुढ़िया आज पैंट में काफी जच रही है। अच्छा है तूने सिर्फ पैंट ही देखी। खंडर बताता है तुम कभी दांत में नहीं थी। ओह कमाल, अंधे होने का फायदा। मैंने तुम्हें उन जूतों में नहीं देखा। मतलब मेरे आँख से आहा बन चुके। हाँ पता है, अंधे होने का नुकसान, पर मेरे कान को ज्यादा ही तेज है। इधर जान लेगा दवाई दो। हाँ, एंटीसेप्टिक से काम चल जाएगा। वैसे फर्नीचर का काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? हर खांचे का नट बोल्ट जरा टाइट करना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम घर पर होते ही काम। वैसे ये पुराने फर्नीचर से तो अच्छा है। पुराने फर्नीचर की तो बात ही मत करना। उसे अगर मैं भंगार वाले के पास बेचने जाता तो वो सामने से मुझसे पैसे मांगा। हाँ, लेकिन कभी कभी उस फर्नीचर ने काफी मजे दिए थे। कुछ ठोकने को हाथ नहीं दिया। मजाक किया, मैंने सालों से नहीं किया। तभी से किया गया। कभी बात नहीं मत किया करो। जब तुम्हें याद है, मुझे तुम्हारी आयत याद है। एक किराएदार की तलाश जो एक अंधे के साथ घुल मिलकर रह सके। घर के कामकाज में माहिर हो, तुमने किराए पर नौकर ढूंढ रही थी। सुबह सुबह 12 क्यों बजे हुए हैं? चलो ठीक है, हो जाए। वो कमीना जिसने मेरी ये हालत कर दी है आज मेरे हाथों से फिसल गया। हाथ से उसे पकड़ लेता तो मैं फिर से चिकना हो जाता। मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुझे वापस मिल जाती और किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो हाँ, कहावत सच हो गई कि हाथ को आड़ पर मुंह ना लगा। बाथरूम में जरूरी काम से जा रहा हूँ। पता चल गया लाल सूट में वो हीरो कौन था। सारा कमला पेट्रेस। मेरा भी वैसा चेहरा होता तो मैं इनका पहनता। बस मेरे भी था उसके जैसे चंदी भर जाते। अब उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा, वो भी बहुत जल्द। अच्छी बात है, उसको ठीक होने तो नहीं होगा। उसे ठीक होने लायक मैं रखूंगा तब ना। अजीब है पर मैंने उस पर खबर किया ही नहीं। चुनौतियां अच्छी लगती है मुझे, पर वो हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। चलो उसे ढूंढते हैं। रात की दवाई दूं? दवा तो खाने के साथ पका कर खिलाओगी तभी असर होगा। वैसे भी सारी दवाइयां भांग की गोलियों जैसी खा चुका हूं और अब मुझे लगता है मैं सातवें आसमान पर तैर रहा हूं। लेकिन तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। यकीन नहीं होता, तुम्हारा हाथ इतना छोटा है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ गई तुम्हारा मूड क्यों खराब है।
पर ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम उस लड़की को ढूंढ कर उसे अपना हाल दिल नहीं बताते। आंखों के साथ अकल पर चश्मा लगाया क्या? वो मुझे अपनाएगी नहीं। तुम मुझे देख पाती तो समझ जाती। खूबसूरती मायने नहीं रखती। बस वही मायने रखती है। ये भी दगम की आवाज सुनी है, लगता है जैसे शहनाई का किसी ने कड़ा खोल दिया। तुम्हें लगता है जॉन और कटरीना अपनी एक्टिंग की वजह से इतने फेमस है? प्यार अंधा होता है वेद। नहीं, तुम अंधे हो। तुम बस यहाँ पड़े रहकर किस्मत को रोक सकते? नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा हाथ किशोर अवस्था में नहीं किया जाता। उसके बाद मैं नया प्लान बनाऊंगा। और प्लीज बाहर जाने में दरवाजा बंद करना, मुझे मेरे हाथ के हवाले छोड़ दो। तो डॉक्टर ने कहा कि बुरी खबर यह है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरीज ने पूछा मेरे पास कितना वक्त है? डॉक्टर ने कहा कि 5। मरीज ने कहा 5 मतलब? डॉक्टर ने कहा 4, 3, 2। आप बहनों की क्या मदद करूं मैं? तुम मदद कर सकते हो। मैं एक दोस्त से लूट लिया, शायद तुम्हें पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। नाम है विल्सन। सॉरी, नाम पहली बार सुना है। तो फिर बात के पीछे आना अलाउड नहीं है। इस लड़की को कैसे देखा है? ये जरूर मैंने सुना है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। समझ के जाना, जेब कतरे बहुत है, कभी नहीं कुछ कतर ना दे दीदी का। मेरी इज्जत लुटने से बचाने का थैंक्स दोस्तों। वे साले पहले ससुराल वाले आए थे, पूछ रहे थे राजा बाबू किधर थे। क्या नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ उसे जाके, जब इंसान की आधी फटी और आधी हटी हो। हाँ, फटी शायद कुछ सोचा है तो उससे क्या कहने वाला है यार। इससे बात शुरू कर रहा है मुझे। वेद वैसे
पहले जरा मेरी पहले काम कर ले मेरे। ठीक है ठीक है, बंदे को मारना है, मारने मारने बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, हाँ वेट वेट साला, हाँ हो गया, शांत हो जा। ओके ओके, मेरे हिसाब से शुरुआत अच्छी है। ठीक है ओके, ये वैनेसा कर, नहीं नहीं फ्रांसिस कर, वो चाहता है कि तू उसके पास जा। नीचे पॉटी वाला स्माइली भी बनाया है, पता है ना पॉटी वाला स्माइली क्या होता है? मुझे तो कई साल तक ये चॉकलेट वाला स्माइली लगता रहा है। मुझे गन चाहिए। अच्छा कौन सी वाली? सब जानते हैं कि मैं 12 गोलियों से भी क्या कर सकता हूँ। अंधा तुम गोलियां चलेंगी, सब मर जाएंगे। मैं अपनी सारी रात फर्नीचर के साथ मजे करने वाली थी, पर इसमें ज्यादा मजा है। मैंने कहा था अच्छी कंपनी का फर्नीचर लाओ, पर तुमने कबाड़ उठा लिया। अब निकल जाओ अपने घर से। पूरा घर खिलौनों से भरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा शानी मत बनो, माल निकालो, ड्रेस ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। वैक्सिंग क्यों नहीं करवाते? 45 कैलिबर बढ़िया कर गया। मैं तेरे साथ जरूर चलता दोस्त, पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुमसे दोबारा कभी ना मिला तो याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। और ये भी कि मैंने कहीं इस घर में 116 किलो ड्रग्स छिपा कर रखी है, अपनी आंखें खोलोगे तो मिल जाएंगे। बंदूक दिखाओ आपको। असली गम छुपा रहा हूँ, जाके पत्रे को लेकर आ। किसी की शादी में जाना है क्या? फ्री का खाना खाने? अगर मैं शादी में जाकर फ्री का खाना खाकर कुछ पैसे बचाता हूँ तो तुम्हारे पापा का क्या जाता है? वो विलन याद है जिसे तुम दोनों ने जाने दिया? उसके पास मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे छुड़ाने में तुम लोग मेरी मदद करोगे। मैं? तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ डेडपूल, और मेरे पास ऐसा ऑफर है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। मैं यही बार इंतजार करूंगा। घर बहुत बड़ा है लेकिन नजर से तुम दोनों ही आते हो। लगता है प्रोड्यूसर के पास एक और एक्समैन के पैसे हैं। वो मैंने किया मिस्टर पूल, पर बंधु मुझसे ज्यादा चालाक और ज्यादा हैंडसम भी निकला। मैं मान तो तुम भी काफी क्यों हो। और जैसा आपने कहा था मैं उस गड्डी को भी ना सुनकर गीता के बीच में फेंक दूंगा। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये कुछ और ही समझ बैठा। दुपिंदर, गीता का दिल जीतने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे तुम पर नाज है। बंधु को सही सलामत उसे घर छोड़ देना, गांधी साले को, और फिर गीता का दिल जीतना अपने प्यार की ताकत से, गुलाब और चॉकलेट से। जरूर पिटेगा।
ऐसे तो होंगे ही नहीं तो ताली बजा। इस बार डबल दूंगा। चलो दोस्तों दुश्मन को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। तमाम कर देना तुम बेटा। उनको चटा देना जोर से। वक्त आ गया कुछ और कबाब बनाने का। पैसा बहुत कम होता है जब कोई आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़े, आपको हैंडसम से बम बना दे, आपकी होने वाली बच्चों की मां को उठा दे और अकेली आपकी अच्छी खासी जिंदगी की बिना आवाज वाली को भी बचा दे। इसीलिए अब उसकी बचाने में अपना बैंड लाया। बाबू गाना बजा।
बार हम लोग मिले जाते थे उस गांव में। कितना टाइम हो गया यार, झप्पी तो बनती है। और बच्चे कैसे हैं? ठीक है। पिछली बार तेरी बीवी ने क्या पराठे बनाए थे यार, खा के मजा आ गया। बस पेट तुम्हारे बाई तरफ तुम्हारी दुकान का शटर बंद कर दो। क्या ये तुम्हें भी लव लेटर लिखता है? कितना अच्छी कहना है। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं आ रहा हूं। जाने मन लाल मुझ पर बहुत जज रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें उस सड़े हुए डिब्बे से बाहर निकालूंगा। एक बार फिर से मैं तेरे दिमाग में घुस के तुझे मार दूंगा। तेरी हरकतें कैसे भूलूंगा कुत्ते। मैं किसको भूल गया कमीने? आह, गहरी सांस लो जान, क्योंकि तो सांस नहीं ले पाऊंगी। उम्मीद करता हूँ तुझे बिल्कुल दर्द महसूस ना होता होगा, क्योंकि आज मैं तुझे बहुत दर्द दूंगा। सुना है तेरे शरीर के हिस्से दोबारा बढ़ जाते हैं, एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए फिर तेरे हिस्से ही बचेंगे बेट। अच्छा ना लौटा, राइटर का दिमाग है डायरेक्टर का। खेल शुरू करें, और खेल शुरू करने से मेरा मतलब है खेल खत्म करें।
बख्शना तो शायद ये कपड़े मेरे लिए नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह फौलादी विचारों वाला नहीं था। वादा करो कि तू कभी कसमें वादे प्यार मोहब्बत बातों का क्या है। अब तू पकाना बंद करेगा तो मुझे वो करना है जिसके लिए मैं न जाने कितने वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उससे कहना है फौलाद की औलाद क्या कहूँ उससे। तो जल्दी से सूट कर ले। समझ में नहीं आता मैं तुमसे घोसले में चीज बची नहीं जो उसने हथौड़ी से तोड़ी ना। कुर्सियां टेबल यहां तक कि फ्लश भी। कम से कम तुम्हारे पास घर तो था। के बाद और थोड़ा चढ़ जाने के बाद मुझे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी। वेट
सूट के अंदर का वेट भी पहले जैसा नहीं है। चिड़िया बड़ी हो गई है। जुबान संभालो भी, हमारे बीच एक बच्ची खड़ी है। तुम दोनों अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ कुछ ढंग का काम करो। पत्रे तू जाके किसी के घर की छत बन जा और बीच से कहना वो जाके बाल कटा ले। और तू टू बाई टू, तू चाहे तो किसी की जिंदगी में आग लगा सकती है। सॉरी डायलॉग बुरा है पर तुम कमाल किया। क्या बात है, तुम भी कमाल करो। क्या बोल गई है, तुम अच्छी बातें करने लगी हो, मुझे तुम पर नाज है। कुछ भी हो जाए हम तुम्हें एक्समैन बना कर रहेंगे। देखो मैं सोच रहा था हम तीन हैं, अगर और तीन लोग मिल जाएं तो एक वॉलीबॉल की टीम बनाकर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। उल्लू का पट्टा, मैंने सुन लिया। और अब वो फल जिसके लिए मैं अब तक सहन रहा हूं। वाह, किसने सोचा था इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा? लड़की वापस पाने के लिए सुपर हीरो बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लड़की सही हो तो अंदर का हीरो अपने आप बाहर आ जाता है। अब चलिए इस व्हाइट शॉट को खत्म करते हैं। जूम आउट, जूम आउट। ओके, वैसे ये पिक्चर देख के आपका पैसा तो वसूल हो ही गया। एंडिंग चीजें पसंद नहीं आती। तो अगली बार मिलेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कूल, एक बढ़िया गाना सुनाते हुए।